राम मंदिर को लेकर जिस तरह से आपने आज सामना में भी लिखा है, बकायदा जिस तरह से जो राजनीति की जा रही है, जो बयानबाजी हो रही है, बात ऐसी है, राम मंदिर ये राजनीति करने का विषय नहीं है, यह हमारे अस्मिता का विषय है, आस्था का विषय है और श्रद्धा का विषय है। इस राम मंदिर के निर्माण में पूरे देश का योगदान है, हजारों कर सेवक शहीद हुए और बहुत से अज्ञात कर सेवक आज भी सरयू के नीचे, उनको फेंक दिया था गोली मारकर, वो पूरी सरयू लाल हो गई थी उस वक्त, हमने देखी है, वो सब नीचे थे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका भारत 2014 के बाद बना है, उनको इतिहास मालूम नहीं, अयोध्या का लड़ाई जो है वो 2014 से पहले हुई और ये लोग 2014 के बाद की बात करते हैं, तो उन्हें इतिहास के वो लोग गवाह नहीं है। ये लोग ना देश के स्वतंत्रता संग्राम में रहे हैं, ना किसी बड़े आंदोलन में रहे हैं, ना किसी संघर्ष में रहे हैं, तो उन्हें क्या मालूम है राम मंदिर का संघर्ष क्या था और क्या रहा, और पूरे देश में उसमें क्या योगदान दिया था, उसमें शिवसेना का क्या योगदान था, बाला साहब ठाकरे जी का क्या योगदान था। हम हिंदुत्व के भगोड़े नहीं है, हम मैदान में रहे डटकर और लड़ते रहे आखिर तक। सर एक आज तस्वीर आपने संपादकीय में छापी जिसमें पीएम साहब दिख रहे हैं और भगवान राम का बालक, ये लोगों का आस्था का विषय, राम सबसे बड़े हैं, राम से बड़े कोई नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपना इतिहास 2014 के बाद देश का इतिहास बताते हैं, वो अपने आप को प्रभु श्री राम से बड़े मानते होंगे, तो ये कोई हिंदुत्व की नई व्याख्या अगर बनाई होगी तो हमें मंजूर नहीं है, देश को मंजूर नहीं है। इनके बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी बकायदा कह रहे हैं कि उद्धव जी को राम मंदिर नहीं जाना चाहिए, इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? राम मंदिर का किसी के बाप का है क्या? कहते हैं आप शकुन मालिक है क्या? आप शकुन तो आप है देश में। देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, ईवीएम है इसलिए आप है, जनता आपके साथ नहीं है,